सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही यमी शामी बर्गर लेकर आई हूँ जो बाजार में अमूमन बिकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चलिए देखते हैं कि शामी कबाब ऑमलेट बर्गर बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें दरकार होंगी। चलिए अब मैं आपको इंग्रीडियंट्स बताती हूँ। मैंने शामी कबाब लिए हैं, इसको हम पहले ही बनाकर रख चुके हैं। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। चिकन के शामी कबाब हमने लिए हैं, इसके साथ हमने रायता लिया है, दही का, दो अंडे, बंद गोभी के पत्ते, मैं इसको साबुत रखूंगी, आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट सकते हैं या कद्दूकश कर लें। इसके साथ हमने खीरे लिए हैं कट करके, और ये दो बर्गर हैं डिफरेंट, एक लंबा और एक गोल। मैं आपको दोनों पर ही डेकोरेट करके दिखाऊंगी। चलिए अब सबसे पहले हम शामी कबाब को फ्राई कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अंडा लेंगे, उसको हमने तोड़ लिया। इस अंडे के साथ हम जो अपने शामी कबाब को फ्राई करेंगे इसमें डिप करके। अच्छा, अब इस अंडे में मैं एक चुटकी जो है वो काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा जो है हम नमक हसबे जायका, वैसे थोड़ा सा मैं। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आंच को बहुत ही लाइट मीडियम रख लिया। इसके बाद मैंने तवे पर आधा चम्मच जो है वो ऑयल डाल लिया है, और अब मैं क्या करूंगी, अपने ये बर्गर्स लूंगी और इनको अच्छे से जो है वो हम गरम कर लेंगे। बस एक मिनट तक हमने इसको सेकना है। अभी हमारे जो बर्गर है गरम हो चुके, अब इसी तरह मैं छोटे बर्गर्स को भी जो हैं वो गरम कर लूंगी तेल लगाकर। मैंने भी उतार लूंगी। थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून कबाब फ्राई करने के लिए। हमारा तेल और गरम हो चुका है। अब मैं ये अंडे में अच्छे से इसको डिप कर रही हूँ। डिप करने के बाद मैंने इस तरह इसको फ्राई कर लिया। अब हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक दोनों साइडें जो हैं वो गोल्डन ना हो जाएं। अब इनको हम साइड पे करते जाएंगे। हमारे जो कबाब हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने जो टिक्कियां हैं वो उतार ली हैं। अब इसके बाद हम अंडा बनाते हैं। अब ये हम दूसरा अंडा ले रहे हैं ऑमलेट के लिए। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा काली मिर्च और नमक ऐड करूंगी, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। चलिए अब हम अंडा फ्राई करते हैं। अब मैं उसी तवे पर मजीद थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि हम अंडे को बना लें। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर अंडा डालूंगी। मैंने अंडा इतना लिया जिससे एक अच्छी सी हमारी जो वो अंडे की टिक्की है वो तैयार हो जाए। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। चलिए जी, अब हमारा अंडा जो है वो भी रेडी हो चुका है। मैं इसको भी उतार लेती हूँ, हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको क्या करना है, जस्ट डेकोरेट करना है इन सारी चीज़ों के साथ।
अब आप देख सकते हैं कि मेरा अंडा भी फ्राई हो गया और कबाब भी। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन सारी चीजों को इसके ऊपर डेकोर करेंगे। अब मैंने ये बर्गर ले लिया है, अब मैं इसके ऊपर एक शामी कबाब जो है वो अपना लेकर, एक या दो जितने अच्छे से एडजस्ट होंगे वो हम लगाएंगे इसको। साथ ही मैं छोटे वाले को भी तैयार कर लूंगी। अब हम इसके ऊपर रायता लगाएंगे, आप केचप भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। इसके बाद हम खीरे जोड़ेंगे। अब हम इसके बाद जो है वो अंडा लगाएंगे और लास्ट पर हम ये गोभी के पत्ते इसके ऊपर लगा देंगे। चलिए अब हमारा ये बर्गर हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पर मैं इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर, अब हम इसकी डिश अलग अलग करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे दोनों बर्गर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।